अभी के तीन मुख्यमंत्री हैं, एक का नाम अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली में सरकार है। आई एम कॉमन मैन, नॉट आम आदमी पार्टी। नहीं, ये तो आप पब्लिक से पूछो तो वो बताएगी। धार्मिक मुद्दे पर बहक जाएं। जनता ने चाहा, 15 साल कांग्रेस की सरकार चली। मुझ पर मुकदमा दर्ज तो नहीं है। अगर मैं सीधी बात करूँ, टारगेट मेरा कांग्रेस पे, कितने लोग आ पाएंगे आम आदमी में? चुनाव के मद्देनजर दिल्ली सरकार की जन संवाद यात्रा 1 सितंबर से चल रही है। तकरीबन आधी विधानसभाओं पर ये पूरी की पूरी जनसंवाद यात्रा पूरी हो चुकी है। इसको लीड कर रहे हैं दिल्ली सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर गोपाल राय जी। गोपाल राय जी हमारे साथ हैं। गोपाल जी, आपसे सीधा सा सवाल है कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वो कांग्रेस के भी थे, बीजेपी के भी थे और आम आदमी के भी थे, और सवाल तीनों ने आपसे किए, क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो आप जनसंवाद यात्रा कर रहे हैं वो आपके सब वोटर में कन्वर्ट हो पाएगी? देखिए, मसला वोटर का नहीं है, मसला काम का है। अब तक जो राजनीति है वो धर्म जाति के आधार पर होती रही है। आम आदमी पार्टी की जनसंवाद यात्रा का जो मकसद है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मकसद है कि जनता के सामने अब तक जो काम हुए हैं वो सारे उनके सामने रखे जाएं और काम के आधार पर जनता अपना फैसला करे। जब मैं यहाँ पर था, पूरा मैंने प्रोग्राम तकरीबन आपका मैंने कवर किया, तो इसमें सभी पार्टी के लोग, पार्टी क्या बोले, मैं कहूँगा आम आदमी, आम कॉमन मैन, नॉट आम आदमी पार्टी, कॉमन मैन यहाँ पर रखे हो, सब ने अपने में सवाल किए। CNGPT, जिसमें CNGPT फ्लाईओवर भी की बात आई थी, पानी और बिजली की भी बात आई थी, तो इन दोनों का जो कंपेयर है अगर पब्लिक करे तो ऐसी क्या खास बात आएगी जो पब्लिक से जुड़ेगी और वो वोट आपको देगी? नहीं, ये तो आप पब्लिक से पूछो तो वो बताएगी। तीनों पार्टियों के काम की चर्चा करने के बाद पब्लिक केजरीवाल के साथ क्यों खड़ी है और क्यों दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, ये तो पब्लिक के दिल की बात है और पब्लिक बताएगी। ऐसा तो नहीं है कि आगे हाथ खड़े कर रहे हैं वो लोग और उसी रौ के अंदर सब लोग पीछे हाथ खड़े कर रहे कि हम भी और हम भी? अब मेरे ख्याल से यहाँ सबको मौका दिया जा रहा है, सबको खुले तौर पर मौका दिया जा रहा है। यहाँ आने वालों को ये नहीं महसूस होता है कि आम आदमी पार्टी का मंच है, सबको ससम्मान मौका दिया जा रहा है। तो आज ये खुली किताब है और आज जो हाथ उठ रहे हैं वो काम के आधार पर उठ रहे हैं, न कि चेहरे के आधार पर। और मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों को काम चाहिए तो केजरीवाल चाहिए। गोपाल जी, दिल्ली का चुनाव आने वाला है और केंद्र सरकार सीधी दिल्ली से कनेक्टेड होती है क्योंकि आधा राज्य है तकरीबन। ऐसे में जो बीजेपी की पॉलिसीज हैं या जो भी उनके वर्क है या जो वो आउटपुट है, अब जो अपना वो प्रोग्राम शुरू करेंगे, ऐसे में वो और दिल्ली सरकार मतलब कितना स्ट्रांग अपने आप को वो समझ रही है कि देखो, ये केंद्र सरकार का चुनाव ही नहीं है, ये प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं है, मुख्यमंत्री का चुनाव है। और मुख्यमंत्री के लिए, जैसा मैंने कहा अभी कि तीन मुख्यमंत्री हैं, एक का नाम अरविंद केजरीवाल है, दिल्ली में सरकार है, बगल में भाजपा की सरकार यूपी में और हरियाणा में, तीनों का काम आप देखेंगे तो दिल्ली का काम बोलता है। एक आखिरी सवाल सर, क्या कितने लोग, अगर मैं सीधी बात करूँ, टारगेट मेरा कांग्रेस पे, कितने लोग आ पाएंगे आम आदमी पे इस वक्त में? देखो, आम आदमी सरकार, उन विधायक की बात कर रहा हूँ जो इस वक्त में नहीं है। नहीं, मेरा कहना है कि वो मसला नहीं है। देखो, जनता ने चाहा भाजपा की सरकार बनी, जनता ने चाहा 15 साल कांग्रेस की सरकार चली, जनता ने चाहा केजरीवाल की सरकार बनी, जनता जो चाहेगी वही चुनाव में होगा। राम निवास जी, क्या आपको लगता है कि सीधा जो संवाद हुआ है उसे जो एक क्लैरिटी है जो लोगों में अभी तक काम की जो काम शायद किसी को नज़र नहीं आ रहा था, क्या ये सब इस डायलॉग से वो सब लोग इस बात का मालूम हो पाएगा? मुझे देखकर आश्चर्य लग रहा था कि लोग बाग उन कामों को उनके संज्ञान में है, उन्होंने जो जो काम हुए उनको बोला। हालांकि कुछ काम रह गए, छूट गए, पर उनसे जिनको सीधा लाभ हुआ उन्होंने काम बोला। सुनने में यह आ रहा था कि काफ़ी ऐसे विधायक हैं जो आम आदमी में पार्टी में आने के लिए जुगत बढ़ा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अगर दूसरी पार्टी के लोग आते हैं तो ऐसे में जो एक आम आदमी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको कहीं ठेस पहुंचेगी या उससे कैसे खुला वो कर पाएंगे, आप सामंजस्य बैठा पाएंगे? मैं तो एक बात कह सकता हूँ, मैं जब आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया, मेरा पूरा बायोडाटा चेक किया गया, कोई मुझ पर मुकदमा दर्ज तो नहीं है। तो ये पार्टी में अच्छी बात है कि जो भी ज्वाइन करेगा उसका अपना चरित्र क्या है उसको संज्ञान में लगता है। आने वाले वक्त में जितने भी सब लोग थे वहाँ पर, ये क्या वोट में एक्चुअल में कन्वर्ट हो पाएंगे? देखिए, अगर काम को निगाह में जाएंगे लेकर, भले वो घर से निकलें, धार्मिक मुद्दे पर बहक जाएं, लेकिन जब धीरे धीरे जाएंगे मुझे काम पर वोट देना है, उस भावना को हमको जगाना है काम की। ये जनता जो चाहेगी वही चुनाव होगा। खुले तौर के ऊपर गोपाल राय ने बोल रहा है कि ये विधानसभा सब हम कवर करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि जितनी भी जनता है वो हमारे इस संवाद को, पूरे जो डायलॉग है वो
प्रॉपर तरीके से हम लोग कम्युनिकेट करेंगे और जितनी भी यहाँ पर जो दूसरी जो जनता है जो इस वक्त में अभी तक अनभिज्ञ थी उन सब कामों से वो पूरी तरीके से भिग होगी और जितना भी वोटर है वो सब हमारी तरफ ही आएगा। लेकिन देखना ये होगा कि क्योंकि अभी दूसरी और पार्टीज़ के कैंपेन शुरू नहीं हुए हैं, अब देखना होगा कि ये क्या वो सही तरीके से ये फाइट कर पाएंगे या जो आने वाला चुनाव होगा दिसंबर जनवरी या फरवरी इन तीनों महीने में किसी भी वक्त में ये चुनाव हो सकता है यानी कि कुछ ना सही संभावना बन रही है, ये तभी मालूम हो पाएगा कि कौन कितनी सरकार बनाता है। अब मुझे और मेरे कैमरा पर्सन रोहित को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।